गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे जो वो लक्षद्वीप जो कि हमारी एक यूटी है, तो उसकी ये जो वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो वो हम लोग कुछ लक्षद्वीप के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे जो वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, वो है श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप के भी कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल है, मैं जो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो वो अबाउट लक्षद्वीप जो वो कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या जो लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इज नोन एज। तो याद रखिए 36 जो वो द्वीप से बना है, 36 आइलैंड से बना है। चलिए मैं बीच बीच में से आपको जो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे जो वो यहाँ पे जो वो ये जो वो हरियाली और समुद्र के जो तट होते हैं उससे जो वो मतलब कि इससे जो वो ये जाना जाता है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है संस्कृत मीनिंग और मलयालम में जो इसका मीनिंग होता है वो होता है 100,000 आइलैंड, 100,000 द्वीप जो वो इसका मतलब होता है। याद रखिए आपको पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का जो मीनिंग होता है, ठीक है, संस्कृत में या मलयालम में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 100,000 द्वीप, 100,000 द्वीप, 100,000 द्वीप जो वो इसका मतलब होता है। आगे लिखा है यह इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी। तो ये जो वो एक इंडिया का जो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी है, और यहाँ पे जो 36 आइलैंड है, और एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर जो वो यहाँ पे इसका एरिया है, तो इसको भी आप याद रखिए। और कैपिटल कौन है, कैपिटल जो वो यहाँ पे कवरती है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, जो कि एक इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल टाउन ऑफ द यूटी, ये जो वो एक मुख्य शहर भी है। और आगे लिखा है यह जो वो एक नेचुरल लैंडस्केप द सैंडी बीच इज एम्बुलेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ओनली BSNL एंड एयरटेल। यहाँ पे जो वो कौन कौन से टेली कम्युनिकेशन जो वो सर्विसेज चलती है, तो कौन कौन सी BSNL और एयरटेल जो वो यहाँ पे चलती है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे पीछे मैं जो वो यहाँ पे देखना भूल गया, यहाँ पे लिखा है जैसे ऑल आइलैंड आर 220 एंड 420 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो केरला का जो कोची शहर है, ठीक है, वहाँ से जो वो कितना किलोमीटर है, 220 और 420 किलोमीटर जो वो वहाँ से, मतलब कि उसके तट से, केरल के तटीय शहर है कोची, जो वो एक तटीय शहर है, तो वहाँ से जो वो रहा है कि 220 से 420 किलोमीटर जो वो मतलब ये अरब सागर में पड़ता है, क्या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे BSNL और एयरटेल है, तो इसको भी आप याद रखिए। तो ये था इसके बारे में। ओके, थैंक यू।